प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं संजय चौधरी, डायरेक्टर संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग श्री गंगानगर। संकल्प के यूट्यूब चैनल जिसका नाम संकल्प कोचिंग गंगानगर को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही संकल्प का कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संकल्प और बेहतर अपने YouTube चैनल को बना सके। संकल्प इस YouTube चैनल पर आपको रोजाना इंडिया और वर्ल्ड जीके का करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान का करंट अफेयर्स का एक वीडियो उपलब्ध करवाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मेगा ट्रेड फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अजमेर। अजमेर में पहले मेगा ट्रेड फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के अजमेर के रूपनगढ़ गांव में राजस्थान के पहले मेगा ट्रेड फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। इससे अजमेर और अन्य जिलों के लगभग 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। अब इसमें नाम आया था रूपनगढ़ गांव, जहां पे ये पहला मेगा ट्रेड फूड पार्क बना है। तो रूपनगढ़ नाम से एक अजमेर में नदी भी है, रूपनगढ़ नाम से एक अजमेर में नदी भी है, जिसका उद्गम अजमेर के कुचील नामक स्थान से होता है। अजमेर का सलीमाबाद नगर रूपनगढ़ नदी पर है, सलीमाबाद यानी निम्बारक संप्रदाय की पीटीसी पर है। सलीमाबाद में ही निम्बारक संप्रदाय की पीठ है और उसके पश्चात रूपनगढ़ नदी अपना जल गिराती है सांबर झील। सांबर झील में वैसे 5 नदियां जल गिराती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुरतमती। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुरतमती। सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। अजमेर को राजस्थान का हृदय तथा अंडों की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत के 115 पिछड़े जिलों की सूची में राजस्थान के किन 2 जिलों को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जैसलमेर व करौली। नीति आयोग ने जो 115 पिछड़े जिलों की सूची दी उसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, एक जैसलमेर और एक करौली। 115 पिछड़े जिलों में भारत का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है। हरियाणा का जो मेवात जिला है इसका नया नाम है नूह, तथा भारत का दूसरा सबसे पिछड़ा जिला आसिफाबाद है, जो कि तेलंगाना स्टेट का है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह की गई। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसका वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है झालावाड़। पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में? तो इसका सही आंसर है झालावाड़। भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। अगर कोई पूछे भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है तो वो सिक्किम है, और जैविक नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। जैविक नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, झालावाड़। अगर हम झालावाड़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर तथा राजस्थान का चेरापूंजी के उपनाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मैसूर यानी कर्नाटक से उदयपुर राजस्थान के मध्य निम्न में से कौन सी एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पैलेस क्वीन
हम सफर एक्सप्रेस, पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस। देखिए, राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे पहले ट्रेन चली थी 1982-83 में, जिसका नाम था शाही रेलगाड़ी। शाही रेलगाड़ी को पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसी ट्रेन की 1995 में नई सिरे से शुरुआत की, तो उसका नाम रखा पहियों पर चलने वाला नया राजमहल, और उसी को ही द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। 2003 में पर्यटन के क्षेत्र में चली थी फेरी क्वीन, 2004 में विलेज ऑन व्हील्स, 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स तथा 2009 में पर्यटन के क्षेत्र में चलाई गई थी राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स नामक ट्रेन। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया मैसूर से उदयपुर तक, उसका नाम है पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दीपक उत्प्रेती। आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 में की गई। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष था एस के घोष तथा वर्तमान अध्यक्ष है दीपक उत्प्रेती। आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। हमारा छठा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिले पून्नम नामक तेल के कुएं का संबंध राज्य के किस बेसिन से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर नागौर बेसिन। पून्नम नामक तेल के कुएं की खोज बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा की गई। देखिए, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम या जो तेल के भंडार हैं उसके कितने बेसिन हैं? तो चार बेसिन हैं। एक बीकानेर नागौर बेसिन है, एक जैसलमेर बेसिन है, एक विंध्य बेसिन है। विंध्य कगार तो नहीं कह सकते इसको, पूरा सीधा कहते हैं इसको विंध्य बेसिन। और चौथा है बाड़मेर सांचौर बेसिन। देखिए, जो विंध्य बेसिन है इसका संबंध मुख्य रूप से कोटा संभाग से है, और खास करके देखिए जो जैसलमेर बेसिन है उसमें तेल के दो कुएं हैं, एक का नाम बाघे वाला और एक का नाम साधे वाला। और जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है ये क्वेश्चनों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला गया, तो उस कुएं का नाम पूछते हैं जिसका नाम है मंगला, या वो पूछ लेते हैं मंगला नामक तेल के कुएं का संबंध किस बेसिन से है, तो उसका आंसर है बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रूड ऑयल मंगला से निकला था 29 अगस्त 2009 में, उसके बाद में भाग्या से, और उसके बाद में ऐश्वर्या नामक तेल के कुएं से। जब पूछा जाता है कि राजस्थान में शुरुआत के तीन तेल के कुएं के नाम बताओ जिनसे क्रूड ऑयल निकला, तो आप याद रखिए MBA, M फॉर मंगला, B फॉर भाग्या, A फॉर ऐश्वर्या। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारतीय सेना का वह युद्धाभ्यास जो कि 23 मई 2018 को राजस्थान के सूरतगढ़ के निकट महाजन फील्ड फायरिंग में संपन्न हुआ, तो इसका सही जो आंसर है वो है गांडी विजय। ऑपरेशन गांडी विजय का उद्देश्य कमांडरों तथा सैनिकों को अपने आक्रामक कार्यों में प्रशिक्षित करना था। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने संकल्प के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब पहले जरूर कर लें संकल्प कोचिंग गंगानगर को, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा आठवां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बड़ला जोधपुर। कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है। देखिए, क्वेश्चन है सौर ऊर्जा पर कि राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति कब बनी? तो आंसर है 2014। अभी पिछला जो फर्स्ट ग्रेड था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति कब बनी, तो 2014 में। सौर ऊर्जा त्रिकोण में कितने जिले आते हैं? तो तीन, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर। सौर ऊर्जा त्रिकोण में तीन जिले आते हैं, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर। एक है सोलर सिटी, कि सोलर सिटी में कितने जिले हैं? तो उसमें भी तीन है, जयपुर जोधपुर अजमेर। हमारा नवा क्वेश्चन है, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के चतुर्थ चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5।
कि राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के चतुर्थ चरण में यानी चौथे चरण में 5 शहर शामिल है। चौथे चरण में 5 शहर, ये जो 5 शहर हैं ये हैं फतेहपुर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, कुचामन, सरदार शहर, और इन 5 शहरों के लिए 754 करोड़ का बजट रखा गया है। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल, कि राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपूर्वी चंदेला, ओम प्रकाश मिठारवाल। अपूर्वी चंदेला का संबंध जयपुर से है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध सीकर से है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल तथा 50 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक बार फिर हम इन 10 क्वेश्चनों को रिपीट कर लेते हैं जल्दी में, हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। राजस्थान के पहले मेगा ट्रेड फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था अजमेर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग ने भारत के 115 पिछड़े जिलों की सूची में राजस्थान के किन 2 जिलों को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था जैसलमेर व करौली। आगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो था भारत का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है झालावाड़। दोस्तों आप जैसे मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, तो आपके दिमाग में पहले से ही वो आंसर आ जाना चाहिए। 4 ऑप्शन देखते हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन हमें 100% याद होंगे। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मैसूर से उदयपुर के मध्य निम्न में से कौन सी एक्सप्रेस की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस, पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। हमारा 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दीपक उत्प्रेती, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीपक उत्प्रेती। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिले पूनम नामक तेल के कुएं का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना का वह युद्धाभ्यास जो कि 23 मई 2018 को राजस्थान के सूरतगढ़ के निकट महाजन फील्ड फायरिंग में संपन्न हुआ, किस नाम क्या था इसका? तो इसका सही नाम है गांडीव विजय। हमारा आगे 8वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बड़ला जोधपुर, बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के चतुर्थ चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया? चौथे में, 4 में 5, इसी तो याद रखना था कि 4 में 5। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल। एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोमवार से शनिवार तक एक दिन इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स और एक दिन राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। शनिवार तक हमारे जितने क्वेश्चन हो गए, संडे को उसका मैं टेस्ट लूंगा। आपका यह दिन मंगलमय हो। नमस्कार।